कोलकाता के आर्चिकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में अब पूरे देश में गुस्सा है, पूरा देश जो है वो गुस्से की आग में झुलस रहा है और ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। नेताओं से लेकर अभिनेता और आम जनता, हर कोई अपनी आवाज बुलंद कर रहा है उस लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए। इसी कड़ी में अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी सड़क पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। सौरव गांगुली अब अपनी पत्नी और बेटी के साथ आज कोलकाता में एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे। ये प्रोटेस्ट जो है वो उनकी पत्नी की जो एकेडमी है, डांस एकेडमी है, उसका प्रोटेस्ट होगा जिसमें सौरव गांगुली भी हिस्सा लेंगे। ये बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन इससे पहले आप बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी को सुनिए, जिन्होंने बीजेपी के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी के खिलाफ उनका गुस्सा फूटा है और उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कहा कि इंसाफ दो और अगर आप इंसाफ नहीं दे सकती तो इस्तीफा दो। सुनिए लोकेट चटर्जी ने क्या कुछ कहा है। पूरा देश, पूरा पश्चिम बंगाल एक ही डिमांड है, जस्टिस। अगर ममता बनर्जी जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, उसको रिजाइन देना चाहिए। जो ममता बनर्जी, ये पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है, जो ममता बनर्जी यहाँ का होम मिनिस्टर है, जो ममता बनर्जी यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर है, जो ममता बनर्जी यहाँ का पुलिस का मिनिस्टर है, इसमें यही खुद ही खुद का सरकार के विरुद्ध में रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया। हम लोग चाहते हैं जस्टिस दो, नहीं तो रिजाइन दो, यही हम लोग का मांग है। लड़ाई चलेगा, पूरा देश लड़ाई में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग भी ये लड़ाई में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं किया, कल पूरा बता ही दिया। इसलिए आरजीकर में उन्होंने पुलिस को हटा के उन्होंने सीआईएसएफ दिया है, तो इसका तो सामने आ गया है कि बंगाल पुलिस, बंगाल का सरकार को सुप्रीम कोर्ट भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए पुलिस को एक ही रिक्वेस्ट है कि पुलिस को जो भी जितना एविडेंस है उसको सीबीआई के हाथ में देना चाहिए। लेकिन पुलिस उल्टा कर रहा है, जितना जो एविडेंस जहाँ पे है उसको तोड़फोड़ कर रहा है, उसको रेनोवेशन चल रहा है, ये सब मिटाने का कोशिश चल रहा है। अब देखिए, ममता बनर्जी एसआईटी गठन किया और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट से पहले उन्होंने एसआईटी गठन करके संदीप घोष का पुराना मामले को लेके आया और उनका कोशिश है कि संदीप घोष को सीबीआई गिरफ्तारी ना करे। सीपी तो रिजाइन दे, सीपी को तो पूछना चाहिए। उनका तो सुकंदर शेखर रॉय ने जो बोला था कि सीपी को बुला के पूछना चाहिए सीबीआई को, तो यही होना चाहिए। रिजाइन देकर फायदा क्या होगा, पूछना चाहिए, पूछताछ के बाद बहुत सारा कुछ निकल के आएगा। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जिस तरीके से लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, उसकी हत्या कर दी गई, ये मामला हर किसी को झकझोर रहा है। ये मामला हर उस महिला को परेशान कर रहा है जिनके बच्चे दरअसल घर से बाहर रहते हैं, जिनकी बच्चियां हैं। जाहिर तौर पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है, सेलिब्रिटीज का गुस्सा भी लगातार फूट रहा है। नेता तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जिस सौरव गांगुली ने एक बयान के जरिए इस पूरे मामले को लेकर सुर्खियां बटोरी थी, अब दरअसल इस घटना को लेकर वो प्रोटेस्ट करेंगे। इससे पहले जब सौरव गांगुली मीडिया में बने रहे थे, दरअसल उन्होंने इस घटना पर जो बात कही थी उसको लेकर उन्हें काफी लाइमलाइट में वो रहे थे और सौरव गांगुली ने इस अपराध को जघन्य अपराध बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन इसके साथ ही सौरव गांगुली ने यह भी कहा था कि सिर्फ एक ऐसी घटना से प्रदेश या देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करना गलत होगा। उनका यही बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, लगातार उनकी ट्रोलिंग हुई, आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन अब माना जा रहा है कि दरअसल इसी को सही करने के लिए अब सौरव गांगुली इस पूरे मामले को लेकर खुलकर जो है वो दरअसल विरोध प्रदर्शन करेंगे। और खबर यह है कि उनकी पत्नी यानी
यानी डोला गांगुली और बेटी के साथ वो प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे। प्रोटेस्ट मार्च को गांगुली की पत्नी डोला गांगुली, उनकी डांस अकेडमी दीक्षा मंचरी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसमें पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली अपनी बेटी के साथ हिस्सा लेने वाले हैं। डोला गांगुली ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि उनकी अकेडमी की छात्राएं इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन का हिस्सा बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये प्रोटेस्ट दरअसल आयोजित करने का फैसला किया। ये प्रोटेस्ट जो है वो शाम को शुरू होगा, यानी रात में ये प्रोटेस्ट सौरव गांगुली, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और तमाम उनके अकेडमी की जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, दरअसल वो इस प्रोटेस्ट को ममता बनर्जी के खिलाफ करेंगी और साथ ही उस लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की गुहार लगाएंगी। ये कहीं ना कहीं चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं। लेकिन यहां पर जब ये खबर सामने आई कि सौरव गांगुली जो है वो दरअसल इस बर्बरता को लेकर जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रोटेस्ट करेंगे, तो जाहिर तौर पर तरह तरह की खबरें शुरू हो गई, क्योंकि सब जानते हैं कि सौरव गांगुली की नजदीकी जो है वो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ रही है। काफी अच्छे संबंध कह सकते हैं कि टीएमसी के साथ उनके रहे हैं। ऐसे में इस घटना को लेकर उनका ये प्रोटेस्ट काफी मायने रखता है, वो भी तब जब हर वर्ग के लोग जो है सड़कों पर वहां उतरे हुए हैं, ममता बनर्जी की पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने वालों पर भी वहां पर इस तरीके से लाठी चार्ज हो रही है। लेकिन इन सब के बीच डोला गांगुली और सौरव गांगुली का इस पीड़ित महिला डॉक्टर के समर्थन में सड़क पर उतरने का ऐलान, सवाल यही है कि क्या सौरव गांगुली जो ट्रोलिंग का सामना कर रहे थे उसे ठीक करने के लिए अब सड़क पर उतरने का फैसला उन्होंने किया है। ये कहीं ना कहीं जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सौरव गांगुली बेहद नाखुश थे इस ट्रोलिंग से और यही कारण है कि उन्होंने खुलकर अपना विरोध जताने का फैसला क्या कुछ इस तरीके से लिया है कि वो अब प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि इससे पहले 19 अगस्त को ही सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया था, उन्होंने अपने अकाउंट से प्रोफाइल पिक्चर को हटा दिया था और उसकी जगह एक काले रंग की फोटो लगाई थी। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेकर पूरे देश में लगातार लोगों का गुस्सा फूट रहा है, लगातार ये उबाल लोगों में देखने को मिल रहा है, जहां न सिर्फ आम जनता बल्कि चाहे स्पोर्ट्समैन हो, फिर चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, फिर चाहे वो तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हो, वो लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन इस घटना को लेकर जता रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं राज्य की महिला मुख्यमंत्री से कि वो कम से कम इस बेटी जो अब इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन उसके लिए इंसाफ जो है वो ममता बनर्जी उसे इंसाफ दिलाए, उसके परिवार को इंसाफ मिले, ये मांग लगातार उठ रही है। लेकिन ममता बनर्जी चुप्पी साधे हुए हैं, ममता बनर्जी उल्टा जो है प्रोटेस्ट खुद ही कर रही हैं। ये कहीं ना कहीं जो शर्मनाक तस्वीर है वो पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है और यही वजह है कि शायद लोगों का गुस्सा अब इस कदर बढ़ रहा है कि ये जो मार्च है ये सड़कों पर अब बढ़ता जा रहा है और ममता बनर्जी की जवाबदेही भी अब कहीं ना कहीं तय होनी चाहिए, ये मांग हो रही है। और अगर वो जवाब नहीं दे सकती, अगर वो इंसाफ नहीं दिला सकती, तो अब उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, ये भी तमाम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका इस पूरे खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।